गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। तो चलिए प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही प्यारे और शानदार सेगमेंट को। सबसे पहले एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है, यस और नो, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, देवन कुमार नमस्कार बेटा, नमस्कार। अभी पैरेलल में अभी जो है रोहित सर की भी शायद क्लास अभी चल रही है, एक उनका जनित सेशन था। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे शायद वहाँ पे बिजी होंगे। आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है, कंफर्म हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोगों की बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास का ही आज 14वां दिन है, यानी कि आज इससे पहले हमने 13 क्लासेस ऑलरेडी डन कर ली है, कंप्लीट हो गई है, और आप बहुत सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। आज बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास टेलीग्राम वगैरह के, तो मैंने एक फीडबैक वाला लिया था सभी टीचर्स का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो बच्चों का ये अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि सर पहले हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डर लगता था, लेकिन अब डर नहीं लगता है, बल्कि इवन आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ है। इतने सारे टाइप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमने कर लिए हैं क्लास के अंदर कि अब कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया है। और देखा जाए तो ये 14वीं क्लास है, लेकिन बेटा हम जो है एक एक क्लास में दो दो तीन तीन कर रहे हैं, तो किसी एक पहले, अब तो थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है, पहले थोड़ा सा ज़्यादा करवाया करता था, दो दो तीन तीन भी होता था। तो मतलब ये है कि आपका लगभग जो है 20 के आसपास हो चुका है कॉम्प्रिहेंशन। तो 20 आज देखो 21वां है, तो 21 कॉम्प्रिहेंशन हमने जब ख़त्म कर लिए मान लो, और डेली आप रेगुलर कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ होगा, काफ़ी आपको चीज़ें अच्छी लगने लग गई होगी। तो जो भी मेरा ऐसा स्टूडेंट है, जो आप में से जो भी ऐसा स्टूडेंट जो रेगुलर मेरा रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है और मेरी क्लास को ऑफलाइन देखता है, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में देखता है, तो जाहिर सी बात है मैं लाइव क्लास में तो मैं उन्हीं बच्चों को जान पाऊंगा ना जो क्लास में बैठे हैं लाइव में, जो रिकॉर्डेड देख रहा है। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो रेगुलर होते हैं बट रिकॉर्डेड देखते हैं, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को कुछ फ़ायदा दिखा या नहीं दिखा इतने दिन से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन, इससे आप लोगों के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ठीक है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। लाइव क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनका तो मुझे रिस्पॉन्स पता है, दिख भी रहा है बेटा आप कमेंट कर रहे हो, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए, ज़्यादा देर बातचीत ना करके सीधा आते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक है, इसको शुरू करते हैं। ठीक, तो बेटा आपके सामने जो है कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट होता है, ये लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिल्ली इज चार्मिंग, इट्स चार्म हैज नॉट फेल्ड टू फैसिनेट एनीवन, द पांडवास हु बिलीव टू हैव बिल्ट। चलो एक बार एक काम करो, आप लोग अपने आप से इसको पढ़ो, जल्दी से एक बार अपने आप से इसको रीड करो, क्या लगता है आपको इसमें। आप लोगों ने इसको पढ़ लिया तो आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत ये सब चीज़ों के बारे में पता चला होगा, कुछ कुछ आपको इस चीज़ों के बारे में पता चला होगा कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या है भाई इसका टॉपिक का मुद्दा। देखो ये हमारा जो है पास्ट की हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बता रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुराना किला, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इंद्रप्रस्थ, पांडवा, मतलब ये है कि आपकी हिस्ट्री से धीरे धीरे प्रेजेंट की तरफ को बढ़ता हुआ दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो चलो अब इसको एक बार पढ़ते हैं, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वोकैब है, मैंने इस सारी की सारी चीजें पहले ही मार्क कर दी है ताकि आप लोगों को समझने में पढ़ने में दिक्कत ना हो, आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, दिल्ली इज चार्मिंग, इट्स चार्म हैज नॉट फेल्ड टू फैसिनेट एनीवन, यानी कि जो दिल्ली है ये अपना इसका जो चार्म है, इसकी जो चमक है, इसका जो अट्रैक्ट करने का जो तरीका है, ठीक है, वो कभी भी फेल नहीं होता, सबको क्या करता है ये फैसिनेट करता, अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। द पांडवास हु आर बिलीव्ड टू हैव बिल्ट द शाइनिंग सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ, यानी कि जो पांडव है, जितने भी कौरव पांडव के टाइम की बात हो रही है, ठीक है, तो आर बिलीव टू हैव बिल्ट द शाइनिंग सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ समवेयर क्लोज टू व्हाट इज नाउ द पुराना किला, जो कि ऑलमोस्ट जो है आज के टाइम में आसपास में पुराने किले के आसपास में। कुतुबुद्दीन ऐबक हु गॉट द टॉल ब्रिक मीनार बिल्ट देयर, द लोदीज हु क्रिएटेड द शीश गुम्बद इन द एक्जीक्यूट पार्क। तो एक्जीक्यूट ये एक्यूसाइट का मतलब क्या होता है बेटा, तो एक्यूसाइट का मतलब हो जाता है काफी जो अट्रैक्टिव हो, काफी सुंदर हो। द मुगल्स हु गेव दिल्ली नॉट जस्ट अ लाल किला बट मैनी मजेस्टिक स्ट्रक्चर, एंड द ब्रिटिश हु लेफ्ट बिहाइंड फॉर ये एडविन लुटियंस दिल्ली, ऑल केम अंडर दिल्लीज चार्म एंड इन टर्म एडेड देयर विथ टू इट। अब देखो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि टॉपिक पूछा क्या जा रहा है, किससे रिलेटेड मुद्दा है ये, ठीक है। तो अब जो है सीधा आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ये लीजिए। अरे
आपको तो दिख ही गया। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड फिट इन द ब्लैंक ए। अब इनमें पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सा शब्द है जो ब्लैंक ए में फिट हो सकता है, कौन सा है। अब ब्लैंक ए तक तो हम पहुंचे नहीं थे भाई, तो ब्लैंक ए तक पहुंचने के लिए पहले उसको अच्छे से जानना पड़ेगा, उतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमने वहां तक तो हम, एक सेकेंड, स्क्रीन रुक गई है क्या बेटा? बेटा सब ठीक चल रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है ना? ईशा, मंत्र ऑफ सक्सेस एंड वंदना, मेरे में स्क्रीन शायद पॉज हो रखी है, क्या हो रखी है पता नहीं। आप लोगों के कमेंट तो आ रहे हैं बेटा, सब ठीक है, ओके है, ऑल क्लियर लिख दीजिए एक बार अगर सब ठीक है तो। हाँ, ऑल परफेक्ट है। अच्छा, मेरी साइड से होगा फिर, ओके। तो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड बी फिट इन द ब्लैंक ए, यानी ए वाले ब्लैंक में ऐसा कौन सा है जो फिट हो सकता है। तो भाई ए वाला ब्लैंक जब हम पढ़ेंगे तब हम यहां तक आ पाएंगे। तो चलिए फिर ए वाले ब्लैंक को हम देख ही लेते हैं। देखो यहां पे आपका ए वाला पार्ट लिखा है, तो हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे तो हम यहां तक पहुंच ही जाएंगे, तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। फिलहाल आपका जो क्वेश्चन नंबर ए था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस एक्यूसाइट एज हाईलाइटेड इन द अबव पैसेज टू मेक द स्टेटमेंट ग्रामेटिकली एंड कंसेप्चुअली करेक्ट। तो यहां बोला ये जा रहा है बेटा कि बताइए, यहां पे एक शब्द जो लिखा था एक्यूसाइट, लिखा ना पीछे एक्यूसाइट लेक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पढ़ाया था कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें था एक जो है गोल्डन गूज वाली कहानी थी, याद है? एक मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया था जिसमें गोल्डन गूज की एक कहानी थी। तो जो गोल्डन वाली बात थी उसमें भी एक आया था एक्यूसाइट लेक, तो उसका मतलब क्या था, बहुत सुंदर लेक बनाया था राजा ने, ये वही वर्ड आया यहां पे एक्यूसाइट। तो यहां पे इसको किससे आप रिप्लेस कर सकते हो पैसेज के अकॉर्डिंग, वो ग्रामेटिकली भी सही बैठे और कॉन्टेक्स्टुअली भी सही बैठे। तो देखो, डेंटी, इम्प्रोवाइज, रॉ या फिर रूडिमेंट्री या इनमें से कोई भी नहीं। वैसे मैंने इसको पीछे पलटा था तो आप लोगों ने आंसर ऑल्दो देख लिया होगा और देख भी लिया था, बट नाउ दे ही सकते हो अब भी। क्या बताया था, चीन बताया था, ठीक है, वेदांता। आज आपको स्क्रीन कुछ बड़ी लग रही है बेटा? एक्चुअली आज मैं नए स्टूडियो में आया हूं तो काफी बड़ी स्क्रीन है ये आज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही जवाब बेटा। देखो बाकी की मीनिंग के साथ मैं बता देता हूँ। देखो इम्प्रोवाइज का मतलब होता है किसी चीज को साफ करना, सुधार देना, बिल्कुल सही कर देना। रॉ का मतलब होता है कि बिल्कुल बेटा स्टार्टिंग जो रॉ मटेरियल होता है ना, कच्चा सामान जो होता है उसको कहते हैं। और दूसरा सफा मतलब जो है बिल्कुल क्लीन कोई चीज हो, बिल्कुल जो है ऐसी चीज जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में बात हो, उसके लिए भी ये लगाया जाता है, रॉ फूड वगैरह जिसको कहते हैं ना, कच्चा माल, कच्चा सामान। अगला आता है रूडिमेंट्री, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग का या फिर कोई चीज जो बहुत मौलिक हो, बिल्कुल बेस हो, बेसिक चीजें हो। तो डेंटी का मतलब हो जाता है सुंदर, कोई चीज ऐसी जो काफी लोगों को अट्रैक्ट करे, काफी अफेक्शनेट करे, उसको कहा जाता है डेंटी। तो ये भी एक इसी से रिलेटेड सिमिलर सा वर्ड है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अब बेटा ये ए वाला लाइन पूछा गया है कि ए वाला जो ब्लैंक है इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, तो इसको क्या फिल करना है, इसके लिए तो यहां तक पहुंचना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए, पहुंचने के लिए पहले पढ़ना तो पड़ेगा, तो एक बार इसको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं जहां तक हमने पढ़ लिया था, इसके आगे कंटिन्यू करके, ठीक है। देखो यहां पे बात थी कि भाई उन्होंने ये चीजें बनाई है, एक्यूसाइट लेक वगैरह उन्होंने बनाया है, मतलब एक्यूसाइट पार्क वगैरह बनाए हैं। उसके बाद और आगे चलते हैं, एंड द ब्रिटिश हु लेफ्ट बिहाइंड अस फॉर एडविन लुटियंस दिल्ली हु केम अंडर डेली चार्म एंड इन टर्म एडेड देयर बिट टू इट फॉर ओवर 1000 ईयर एंड प्रोबेबली का मतलब शायद, परहैप्स भी बोलते हैं, लिख लेना इसको, हम परहैप्स भी बोलते हैं, Perhaps, ठीक है, फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन इट्स अनसर्टेन पास्ट दिल्ली हैज कंटिन्यूड टू फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है वही अट्रैक्ट करना, रिझाना द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली ने जो है शुरू से ही, यानी कि काफी टाइम से पूरे इंडिया को रिझाया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन एट ऑल टू से दैट ऑल रोड इन इंडिया लेड टू दिल्ली, मतलब ये कहना बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की सारी रोड जो है वो दिल्ली की तरफ, यानी कि दिल्ली को जोड़ने का काम करती है, मतलब सारी की सारी चीजें कहाँ आगे कनेक्ट हो रही है, दिल्ली से, क्योंकि ये राजधानी है। द प्लेस द हिस्ट्री एंड द लेजेंड दिल्ली डिस्पाइट इट्स पोल्यूटेड एयर, मतलब आप देखो बेइज्जती भी कर रहे हैं इसकी, ठीक है,
कि जो दिल्ली है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी लेजेंड्स यहाँ रहे, सारी चीज़ें रही, और डिस्पाइट इट्स पोल्यूटेड एयर, इट्स पॉलिटिकल स्कडगली, इसका इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट बिहेवियर और एक्टिविटी, मतलब पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा यहाँ पे चलती है, और साथ ही साथ में जो है इसका पोल्यूटेड एयर हो गया या इसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो गई, इट्स मैनी मास्क एंड इट हिस्ट्री ऑफ मैस्कर्स एंड राइट्स कंटिन्यूज टू इंचेंट इंडिया। देखो तो यहाँ पे और भी नए नए वोकैबुलरी आपको मिले हैं, क्या शब्द मिले हैं, क्या शब्द मिले ध्यान से देखिएगा, एक शब्द आया बेटा स्कलडगली, स्कलडगलरी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट बिहेवियर और एक्टिविटी, इसको कहा जाता है स्कलडगलरी, ये वर्ड याद रखना ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं, इट्स मैनी मास्क एंड इट हिस्ट्री ऑफ मैस्कर, एक शब्द यहां पे आया बेटा क्या था, डिस्पाइट, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं बीच बीच में आपका टेस्ट भी लेता रहता हूं, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, इंस्पाइट डिस्पाइट याद आया, के बावजूद, बिल्कुल सही बेटा। तो यहां पे डिस्पाइट इट्स एयर पोल्यूटेड, इट्स पॉलिटिकल स्कैंडली, इट्स मैनी मास्क एंड हिस्ट्री ऑफ मैस्कर एंड राइट्स कंटिन्यूज टू इंचेंट इंडिया, यानी कि जो है इसके पोल्यूटेड एयर होने के बावजूद, यहाँ के पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन होने के बावजूद, यहाँ के हिस्ट्री में इतने मैस्कर यानी कि नरसंहार होने के बावजूद, ये पूरे इंडिया को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचने का काम करता है, ठीक है, ये चीज आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, माय फर्स्ट विजिट टू दिल्ली वाज ओवर हाफ अ सेंचुरी अगो, मेरी जो पहली विजिट थी दिल्ली की वो क्या थी बेटा, लगभग हाफ अ सेंचुरी अगो, यानी ये हाफ सेंचुरी पहले मैं वहां गया था, यानी किसी की लाइफ की जर्नी के बारे में बताया जा रहा है, किसी की लाइफ का कोई इवेंट रहा होगा पास्ट का, उसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ है। इन जनवरी 1968 एज अ यंग कॉलेज स्टूडेंट आई वेंट देयर टू मीट ललिता गौरी शास्त्री, वैसे आपको मैं बता दूं बेटा ललिता गौरी शास्त्री कौन, किसका नाम है ये, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उनकी वाइफ का नाम है ललिता गौरी शास्त्री, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है। तो अब कोई पर्सन है वो कहता है कि माय फर्स्ट विजिट टू दिल्ली, मतलब मैं पहली बार मेरी विजिट हुई थी दिल्ली में, वाज ओवर हाफ अ सेंचुरी अगो इन जनवरी 1968 की जनवरी के टाइम में एज अ यंग कॉलेज स्टूडेंट, मतलब मैं एक यंग कॉलेज स्टूडेंट था, आई वेंट देयर टू मीट ललिता गौरी शास्त्री, इट वॉज 2 years after लाल बहादुर शास्त्री met with an untimely death। तो यहां पे untimely का मतलब असामयिक, ये असामयिक है, असामयिक मतलब एक तरीके से जो मतलब इररिलेवेंट होता है ना, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो बिल्कुल अभी तक सस्पेंस में है, अभी तक डाउट में है, उसको कहा जाता है असामयिक, ठीक है। तो यही अंतिम अनटाइमली, तो अनटाइमली का मतलब जिसका समय नहीं आया था उसको उसकी डेथ हो जाना, वही अनटाइमली डेथ। रिसीविंग अ स्ट्रेंज लेड फ्रॉम साउथ हुज इंडियन एक्सप्रेशन वॉज ऑकवर्ड एंड हु वॉज टेरिफाइड टू बी सच लार्ज सिटी, मतलब एक ऐसा लड़का जो कि बहुत ही मतलब अजीब तरीके से हिंदी बोलता था, साउथ का लड़का जो अजीब तरीके से हिंदी में बात करता था, और साथ में जो है उसकी भाषा बड़ी अजीब थी, अजीब तरीके का वो उसका चाल ढाल था, एंड हु वाज टेरिफाइड टू बी इन सच अ लार्ज सिटी, जो कि इस तरीके की लार्ज सिटी को देख करके काफी डरता था, काफी सहम जाता था, डरा हुआ रहता था। शी वॉज वार्म अफेक्शनिस्ट, यानी अपने बारे में बता रहा था वो सारी बातें। अब आगे की बात करते हैं, शी वॉज वार्म अफेक्शनिस्ट, अफेक्शनिस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत हृदय वाला व्यक्ति जो होता है ना, बहुत स्नेही होता है, जो दूसरों की दर्द को समझता है, तकलीफ को समझता है, अफेक्शनिस्ट। तो शी वॉज वार्म अफेक्शनिस्ट एंड एज सिंपल एज रस्टिक, यानी कि रस्टिक का मतलब होता है जो होते हैं ना ग्रामीण लोग जो गांव के परिधान में रहते हैं, गांव के ड्रेस वगैरह में रहते हैं, उसको कहा जाता है बेटा क्या, तो रस्टिक, वर्ड लिख लेना बेटा रस्टिक, RUSTIS। वैसे इससे मुझे एक शब्द और याद आया, वर्नाकुलर, क्या वर्ड आया, वर्नाकुलर, लिख लेना ये इंपॉर्टेंट वर्ड, जस्ट मेरे को अभी दिमाग में याद आया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी लिख लो, जिससे कि कम से कम आपको भी ये याद रहे, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर, इसका मतलब होता है देसी बोली, देसी देसी ना बोलाकर छोरी रे, देसी 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 ऐसी लिखते हैं क्या, देसी बोली, ठीक है, देसी अंदाज बोलते हैं ना, देसी अंदाज, तो वैसे ही देसी बोली, तो देसी बोली, जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है तो अपनी बोली में बात करता ना, अलला का कर रहा है, ठीक है, तो वैसे ही हरियाणा में ओ जान लग रहा है, तो ये देसी बोली हो गई, इसको वर्नाकुलर बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, वही बिहार में बोलते हैं, कत जाए छी,
इस तरीके से, ठीक। तो उसी को वर्नाकुलर कहा जाता है। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट करके बताना कि कैसे बोलते हैं, कहाँ जा रहा है भाई, कैसे बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो देसी बोली आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे वर्नाकुलर वर्ड लिख लेना, काम के वर्ड्स हैं बेटा। तो मैं आप लोगों को जितनी भी चीजें बताता पढ़ाता सिखाता हूँ उसको नोट करते रहा करो, वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रो है, हाँ यही तो होता है, कित जा रहा है, कित जा रो है, कहाँ जा रो है कहाँ जा रहा, किधर जावेसु, अच्छा की जावे छे, अच्छा क्या जावे छे, रोनी पटेल। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सारी अब लिखने लग गए, रुक जाओ भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे टू बी इन सच अ लार्ज सिटी, शी वॉज वार्म अफेक्शनिस्ट एंड अ सिंपल एज अ रस्टिक वुमेन, यानी कि वो जो है बहुत सिंपल सी थी, बहुत जो है वो अफेक्शनिस्ट थी, सहृदय थी, और ग्रामीण परिवेश में थी, मतलब गाँव के जो कपड़े होते हैं ना परिधान होते हैं उस टाइप में थी, ठीक है। सर आज की वोकैब की क्लास हुई थी, हाँ बिल्कुल बेटा अनुपमा बिल्कुल हुई थी वोकैब की क्लास, मैं उसका लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, इस क्लास के खत्म होने के बाद डाल दूंगा। आगे चलते हैं। एज आई वॉज लिविंग शी जेंटली टच माई हेड टू ब्लेस मी एंड सेड, जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, ठीक है, और मेरे को आशीर्वाद देते हुए, टू ब्लेस मी एंड सेड, आशीर्वाद देते हुए कहा डरो मत, हिंदी में जैसे डरो मत, फियर नॉट, फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम बिफोर बिफोर कैचिंग माई रिटर्न ट्रेन आई वेंट अराउंड लुकिंग एट एज मैनी मॉन्यूमेंट्स, यानी मॉन्यूमेंट्स मतलब वही ऐतिहासिक धरोहर जो स्मारक होते हैं उसको कहा जाता है। एज अ क्विक रिक्शा राइड अलाउड मस्ट ऑफ देम क्रिएटेड अ सेंस ऑफ ऑ इन माय माइंड, यानी कि जो है उन्होंने मेरा हाथ, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा कि डोंट फियर, मतलब जो है ये सिटी बहुत बड़ा है, तो वो लड़का आकर के काफी डरा डरा सा सहमा सहमा सा बच्चा है, तो उसको इस तरीके से बहुत प्यार से समझाते हुए बात कही है, ठीक है। उसके बाद आई कुड नॉट, अब आ गए आपके ए वाले पार्ट पे, तो लिखा है आई कुड नॉट रिकनसिल, रिकनसिल का मतलब वही कि मैं मिल नहीं पा रहा था, घुल मिल नहीं पा रहा था वहां पे। आई कुड नॉट रिकनसील द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ललिता जी टचिंग सिंप्लिसिटी एंड द ऑ स्ट्राइकिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली, इज दिल्ली द लेगेसी ऑफ नादिर शाह डैश और द मेलनकली लव ऑफ मिर्जा गालिब। एक और वर्ड सिखाता हूं बेटा आपको, मेलनकलिक, ठीक है, मेलनकलिक, इस वर्ड को लिख लीजिएगा, इससे बना है मेलनकोली, मेलनकली से, MELANCHOLY, मेलनकलिक, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है सैड, लिख लेना मेलनकली, इसका मतलब होता है सैड। देखो कितने मस्त मस्त वर्ड सिखा रहा हूं, वर्नाकुलर, मेलनकली, है ना, कितने अच्छे अच्छे वर्ड। तो मेलनकली मतलब होता है सैड, यानी कि दुख भरा, क्या होता है, दुख भरा, सैड। तो अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एक बहुत ही प्यारी और शानदार सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे प्रिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये प्रिया है, ठीक है, अब ये जो है लहंगा चोली पहन करके गई भंडारे में, ठीक है, कहाँ गई, भंडारे में लहंगा चोली पहन करके। अब हुआ क्या कि भंडारे में जो है ये मतलब एक्स्ट्रा सब्जी और एक्स्ट्रा पूड़ी लेने के चक्कर में क्या हो गया कि गलती से इसके कपड़ों पे ही सब्जी गिर गई, है ना, तो इसने पहना क्या था, लहंगा चोली, ठीक है, लहंगा चोली, तो इसके चोली पे यानी कि कपड़ों पे गिर गई सब्जी, तो चोली जो हो गई वो मैली हो गई, ठीक है। अब कपड़ों पे सब्जी गिर जाती है तो लोग उदास हो जाते हैं कि यार बताओ बेकार में गंदा हो गया, है ना, ऐसे। तो बेटा वही चीज इसको याद करेंगे यहाँ पे, तो मैलन कली, तो ऐसे याद कर लो, मैलन चोली, तो मैली हो गई चोली, मैली हो गई चोली, ठीक है, मैली हो गई चोली, तो नेहा हो गई सैड। किसका एग्जाम्पल था ये, नेहा का था या किसका था, जो भी था, तो मैली हो गई चोली, याद है ना बेटा, आसान हो जाएगा वर्ड याद करना। तो मैलन कली को, इसको क्योंकि स्पेलिंग में सी एच आ रहा है तो चोली की तरह पढ़ लो, तो मैली हो गई चोली, तो जो है कोमल हो गई सैड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या आसान हो गया शब्द आपके लिए, तो वही वाली बात थी यहाँ पे, क्लियर है। अब वापस आ जाते हैं अपने ट्रैक पे, तो यहाँ था आई कुड नॉट रिकनसील द कंट्रास्ट बिटवीन ललिता जी स्ट्रेचिंग सिंपलिसिटी एंड द ऑस्ट्राइकिंग मूवमेंट ऑफ द दिल्ली, इज दिल्ली द लेगेसी ऑफ नादिर शाह और द मेलनकली लव ऑफ मिर्जा गालिब, यानी कि बोला, पूछा ये जा रहा है मतलब एज अ क्वेश्चन मार्क के रूप में कि जो दिल्ली है वो किसकी लेगेसी है, लेगेसी ये नादिर शाह के की लेगेसी है या फिर जो मिर्जा गालिब है उसकी, जो मिर्जा गालिब जो कई सारी जो वो थी ना एक टाइम पे पोएम्स वगैरह, तो क्या उसकी ये दिल्ली है यानी कि उसकी लेगेसी है। तो अब आपके क्वेश्चन पे चलते हैं,
इसको मैं मिटा देता हूँ, मेलनकली और ये वर्नाकुलर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो पूछा ये जा रहा है कि भैया ये जो है नादिर शाह का क्या था, नादिर शाह की पोलाइटनेस। तो भैया जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो नादिर शाह की पोलाइटनेस तो नहीं हो सकती है, ठीक है। नादिर शाह की फेरोसिटी, वही मतलब खूंखार खतरनाक वाला, ठीक है। एंग्रिली वार्निंग, या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ से इनमें से कोई एक हो सकता है। तो अब एक बार जो है इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, फिर इस पर आएंगे, तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। तो पूछा ये जा रहा था कि ये जो इस दिल्ली द लेगेसी ऑफ नादिर शाह डैश और द मेलनकली ग्लव ऑफ मिर्जा गालिब, यानी कि ये जो है नादिर शाह के क्रुएल्टी की लेगेसी है, या फिर जो है मिर्जा गालिब के मेलनकलिक गाने वगैरह की लेगेसी है। तो बेटा देखो यहां पे जो है नादिर शाह के किस चीज की बात हो रही है, डर की बात हो रही है, एंग्री की नहीं, गुस्सा नहीं, उसकी वार्निंग की नहीं, डर की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी होगा बेटा। तो फेरोसिटी का मतलब होता है मतलब डराना किसी को, क्रूरता, क्रूरता का मतलब एक तरीके से किसी के ऊपर बहुत ज्यादा वो करना, डोमिनेट करना, दैट इज कॉल्ड फेरोसिटी, ठीक है। वर्ड याद रहेगा, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे ज्यादा हैं क्लास में लेकिन लाइक्स कम हो रखे हैं, तो जिस बच्चे ने बेटा आप अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सभी स्टूडेंट्स को बेटा हमारे प्यारे एडिटर जी की कसम, स्ट्रीमर भैया की कसम, सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। भाई कौन सा ऐसा है जो नॉट ट्रू है, मतलब सही नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इट इज बिलीव दैट, अच्छा आप लोग पढ़ो एक बार, अपने आप से पढ़ के बताओ कि आपको क्या लगता है इसमें सही जवाब क्या है। ठीक है, बढ़िया। देखो यहां पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू की बात है, तो इट इज बिलीव दैट द पांडवा बिल्ड इंद्रप्रस्थ नियर पुराना किला। तो ये तो शुरू में ही बोला गया था कि क्या पांडव नहीं बनाया था पुराने किले के आसपास में इंद्रप्रस्थ, तो बात तो ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे अभी काट देंगे, ये सही है ना, इसलिए काटेंगे। हमें तो नॉट ट्रू ढूंढना है, तो नॉट ट्रू पे आएंगे हम तो सीधा। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्रिएटेड द शीश गुंबद इन द एक्सट्रीमिटी, नहीं कुतुब ने नहीं बनाया था, वो तो कुतुब मीनार की बात थी, तो आपका ये गलत लग रहा है। द ब्रिटिश हु लेफ्ट बिहाइंड अस द एडविन लुटियंस दिल्ली ऑल केम अंडर दिल्ली चार्म्स एंड इन टर्न एडेड देयर बिट टू इट, नहीं ये भी गलत है, मतलब ये सही लाइन है इसलिए गलत है ये, क्योंकि सही वाली बात है उसमें था ये। अगला, दिल्ली डिस्पाइट इट्स पोल्यूटेड एयर पॉलिटिकल स्कल डगलरली इट्स मैनी मास्क एंड द हिस्ट्री ऑफ मैस्कर एंड द राइट्स कंटिन्यू टू एनहांस इंडिया, यानी कि इंडिया को जो है फिर भी अट्रैक्ट कर रहा है, पूरे भारत को अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि इसका जो इतिहास है बहुत खतरनाक रहा है। तो ये बात तो सही है, तो बात सही है इसलिए काट देंगे, क्योंकि हमें तो गलत वाले पे जाना है, नॉट ट्रू पे जाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि देखो जो शीश गुंबद की बात थी, ये शीश गुंबद किसके लिए बोला गया था, तो यहां देखो लिखा है यहां पे कहां गया, ये रहा शीश गुंबद, तो ये किसके लिए था, लोधीज के लिए, हु क्रिएटेड शीश गुंबद, ये इसके लिए, और मुगल के लिए था कि उसने लाल किला फाल किला ये सब जो है वो उसके लिए था। समझ में आया बेटा, ये वाला था, क्लियर हुआ, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो बेटा मैंने अब ये प्लान किया है कि डेली आपको ना, आप दो दो तीन तीन कॉम्प्रिहेंशन ना करा करके एक एक सिंगल सिंगल कराऊंगा, और वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है। एक घंटे का जरूरी नहीं है कि एक घंटे का रखेंगे, हम क्या करेंगे वीडियो की लेंथ को कम रखेंगे और एक एक का कॉम्प्रिहेंशन डेली करेंगे, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने कल ही आपको कहा था ये, ठीक है, तो एक एक कॉम्प्रिहेंशन हम डेली करेंगे, तो हम जो है ज्यादा जरूरी नहीं है कि 60 मिनट का ही हो, 40 मिनट का, 35 मिनट का या 45 मिनट के बीच में भी हम इसको रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, तो इसका आंसर तो आपका बी आ गया था, इस पे आ जाओ। चलो यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और ये क्या था भाई, अच्छा मैंने गलती से ये वाला मार्कर पकड़ लिया, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड स्कल डगलरली, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई इनमें से कौन सा है जो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देगा, किसके, इसके मीनिंग के सेम देगा, स्कल डगलरली। तो यहाँ पे बेटा मैंने भी पीछे बताया था आपको कि इसकी सही मीनिंग क्या होती है, ठीक है, हाँ एक कॉम्प्रिहेंशन होमवर्क
के लिए भी दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, इस वाले पीडीएफ में तो मैं नहीं लाया, लेकिन मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं, स्कल डगलरली जो था बेटा वहां पे एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या थी। देखो यहां मैंने आपको बताया था कि भाई एक तरीके से कोई ऐसा बिहेवियर जो गलत हो, डिसऑनेस्ट बिहेवियर हो या कोई डिसऑनेस्ट एक्टिविटी हो, मतलब इलीगल एक्टिविटीज जिसको आप कह सकते हो, डिसऑनेस्ट तरीके से अगर कोई एक्टिविटी होती है उसी को स्कल डगलर कहा जाता है। तो वहीं पर बात थी बेटा कि यहां पर पॉलिटिकल स्कल डगलरली हुई, इतने ज्यादा जो है मैस्कर हुए बड़े लेवल पे। तो अब बोला ये जा रहा है कि भाई इसके सिमिलर में जो है बेटा, किधर गया हाँ, इसमें बोला जा रहा है कि भाई इसके सिमिलर में इनमें से कौन से वर्ड हैं। देखो गुल, जी यू आई एल ई, आपको याद है मैंने एक आपको शब्द सिखाया था सी ओ जेड ई एन, क्या था ये, कॉजिन, सी ओ जेड ई एन, कॉजिन। कॉजिन का मतलब क्या होता है, ठगी करना, छल करना, यानी कि किसी को धोखा देना, ठीक है, सी ओ जेड ई एन कॉजिन कहा जाता है। मैं दो चार वर्ड है लिखवा देता हूं, हालांकि इसका आंसर बेटा ये होगा, क्या होगा, ई फॉर एलिफेंट, यानी कि सारे होंगे, और मैं यहां पे इनके रिलेटेड और वर्ड्स भी आपको सिखा रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आंसर इसका बेटा ये है सारा, राइट, ऑल ऑफ दीज। बाकी मैं इससे रिलेटेड और वर्ड बताता हूं, जैसे आपका वर्ड है कॉजिन, सी ओ जेड ई एन, कॉजिन। इसके अलावा बिट्रे, बैम्बूजल, बिल्क, ठीक है, कॉजन है, बिट्रे है, बैम्बूजल है, बिल्क है, चिकेन है, या फिर गुइल है, स्विंडलिंग है, स्विंडलर वर्ड इसी से बना है, स्विंडलिंग, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया, ये चिकनरी जो मैंने पीछे वर्ड बोला था ना, ये वही वाला वर्ड है, ठीक है। और साथ में आपका स्कल डगलरली, ये सारे के सारे शब्द एक ही सिनोनिम बताएंगे, ठीक है। और बाकी ये आपका जो मशीनेशन है, ये कुचक्र, मतलब एक तरीके से ये भी फरेब से रिलेटेड वर्ड है। तो ये सारे के सारे जो शब्द है इनका मतलब क्या होता है, किसी को फ्रॉड करना, धोखा देना या चीट करना, ठीक है, क्लियर है। चलिए इन सारे वर्ड्स को आप जान लीजिएगा बेटा, लिख लीजिएगा, आपके काम के वर्ड्स हैं सारे के सारे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, लिख लिया हो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एक्सट्रग्रेटेड। एग्जग्रेटेड का मतलब क्या था पीछे, कि भाई किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा करके, खींचतान करके, मतलब एग्जग्रेट करके बोलना। चलिए सर, यू आर माई फेवरेट टीचर, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद मंत्रा जी, एंड यू ऑल आर माई फेवरेट स्टूडेंट्स। वैसे जब हमने इसकी शुरुआत करी थी बैंकिंग की आरडब्ल्यूए पे, तो हमें इतना उम्मीद नहीं था कि हमें इतने डेडिकेटेड बच्चे मिलेंगे, ये तो कंफर्म था, लेकिन इतने डेडिकेटेड मिलेंगे ये हमें थोड़ा सा डाउट था। कारण क्या है कि हमारे पास जो है मैक्सिमम बच्चे थे, 12th क्लास के बच्चे और या 10th क्लास वाली ऑडियंस हमारे पास ज़्यादा थी। तो आप देखिएगा कि स्टार्टिंग की जो हमारी वीडियोज़ है उसमें बहुत सारे लाइव बच्चे आते थे, बहुत सारे हमारे पास 200-250 बच्चे लाइव चलते थे एक टाइम पे, ठीक है। एक टाइम तो ये आ गया था कि ऑलमोस्ट जो है 700 के आसपास लाइव हुआ थे होते थे, लेकिन हमें पता था कि धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी तो ये लाइव कम होंगे, क्योंकि बच्चों को दिख जाएगा कि भाई ये टफ लेवल के एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो टफ लेवल, जो आसान लेवल की तैयारी हो रही होती है बच्चे सारे वहीं भागते हैं, और जो टफ लेवल की तैयारी हो रही होती है बच्चे वहाँ से उसको छोड़ देता है। तो हमें पता था कि धीरे धीरे करके हमें बार पास सिर्फ क्रीम वाले बच्चे रह जाएंगे, सिर्फ जो मेन बच्चे हैं वही रह जाएंगे। तो हम भी जब 4-5 टीचर का भी बैठते हैं ना, बातचीत करते हैं, तो हम आप लोगों के बारे में बातचीत करते हैं कि यार वो चंदन है ना यार, मेरी क्लास में वो सारे आंसर देता है, अरे वो श्रुति गुप्ता ना यार सारे आंसर, हाँ इस बच्चे का हो जाएगा सिलेक्शन, अरे हाँ वो लड़का अच्छा है, हाँ वो वाला बच्चा बढ़िया है उसका। तो हम टीचर लोग भी एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं ना, तो आपके बारे में चर्चा चलती है, आपको पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। हम जब आपस में बैठ के बातचीत करते हैं कभी मीटिंग में, तो आप लोगों का भी नाम आता है उसमें कि हाँ यार वो बच्चा पढ़ने वाला है, हाँ यार वो स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, इस तरीके से चर्चा चलती है, और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता। तो हम भी काफ़ी प्लान करते हैं बेटा आप लोगों के लिए, कि भाई आप लोगों के लिए हमें आगे का काफ़ी चीज़ें सोचा होता है हमने, कि हाँ भाई आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो हम आपको यहाँ बुलाएंगे, या फिर आपके लिए हम और क्या क्या चीज़ें स्ट्रेटजी अपनानी है हमको, जब आपका आगे एग्जाम होगा तो हम आपके एग्जाम सेंटर पे भी आएंगे एनालिसिस के लिए। बहुत सारी प्लानिंग्स है, अभी हम NICL के एग्जाम के लिए एनालिसिस के लिए भी अब जाएंगे कॉलेजेस में। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया था बेटा ये एग्जैग्रेट, तो यहाँ पे बेटा देखो फिर से एक बार इस पे चलते हैं कि यहाँ पे जो किधर गया एग्जैग्रेट, ये वर्ड था इधर कहीं था,
ये रहा अतिशयोक्ति शब्द, ध्यान से देखो बेटा, एग्जैगरेट द रेस्ट ऑफ इंडिया टू इट विल नॉट बी एन एग्जैगरेट एट ऑल से दैट ऑल रोड टू इंडिया लीड्स टू दिल्ली, यानी ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाई जितने भी रोड हैं भारत के अंदर वो दिल्ली को ही लीड करते हैं, मतलब दिल्ली की तरफ ही वो आते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसी को एग्जैगरेट कहते हैं, मतलब किसी चीज को बेटा क्या करना, बहुत बढ़ा करके किसी चीज को मेंशन करना, बढ़ा करके किसी चीज को बता देना, एग्जैगरेट उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। चलो अब जो है इस पे हम वापस आते हैं, इस पे हम वापस चलते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि बताइए कि इसका अपोजिट वर्ड क्या है, अपोजिट ही पूछा गया ना, हाँ अपोजिट वर्ड क्या है किसी चीज को एग्जेजरेट करने का, मतलब बढ़ा के बताना, तो इसका उल्टा पूछा गया है। तो देखो इन्फ्लेट का मतलब होता है जैसे आप टायर में हवा भर रहे हो या गुब्बारे में हवा, बलून वगैरह होता है तो बलून में आप हवा भरते हो तो उसमें वर्ड यूज होता है इन्फ्लेट, यानी कि हवा भर देना। एम्बेलिश यहाँ पे आंसर है बेटा, ये अंडरस्टेट, यानी कि किसी चीज को कम करके बताना। बाकी की मीनिंग को हम एक बार यहां देख लेते हैं, तो यहां वर्ड है आपके पास एम्बेलिश, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को संवारना या सुंदर कर देना, अच्छा करना, ठीक है, सुंदर कर देना या अच्छा कर देना। इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा से किसी चीज को फुला देना, और ओवर फ्रेमसाइजिस का मतलब हो जाता है किसी चीज को बल दे करके कुछ बात कहनी, बहुत ज्यादा उसको प्रेस करके जो है किसी चीज को रखना। और अंडरस्टेट का मतलब हो जाता है बेटा क्या, तो इसका मतलब होता है कम करके बताना, कि वो अगर 100 है तो 50 बता रहे हैं या 30 बता रहे हैं, उसको अंडरस्टेट कहा जाता है, ठीक है बेटा, ये है। चलिए तो अगले पे चलते हैं। अच्छा ये आज इतना ही था क्या, ओके ओके, आज आसान वाला मैं लेके आया था, चलो कोई नहीं, इसलिए इसमें क्वेश्चन कम थे, ठीक है ठीक है, क्योंकि इसमें इसके बाद 22 नंबर का भी था तो वो हो सकता है शायद इसमें मैंने मेंशन ना किया हो जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं। तो आज अभी तक जो है बेटा हमने जो है ऑलमोस्ट 21 आरसी कंप्लीट कर लिए हैं, कितने, तो 21 के आसपास हमने आरसी को क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया। तो 21 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं समझता हूं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिनिमम, मिनिमम नहीं भी तो अगर आपको 5 वर्ड सीखने को मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर आप लोगों को एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अगर आप लोगों को 5 वर्ड भी सीखने को मिलते हैं तो 20, मैं 21 भी नहीं, मैं 20 ही मानता हूं कि 20 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप लोगों को कितने वर्ड सीखने को मिले होंगे, सोच के बताओ, 100 नए वर्ड्स आपको सीखने को मिल गए, 100 नए वर्ड सीखने को मिले। इसके अलावा मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाते हुए एक दिन की एडिटोरियल की क्लास में मैं एक एवरेज बताता हूं कि 5-10 वोकैब तो स्टार्टिंग में बता देता हूं पीडीएफ के थ्रू, और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ाते समय भी कम से कम आपको 10 देता हूं। तो 10 और 10 20, यानी कि बेटा 20 जो है आपको 20 नए नए वर्ड्स आप लोगों को किसमें मिलते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर में, द हिंदू एडिटोरियल के अंदर, ठीक है, एक दिन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 20 वर्ड आपको मिल रहे हैं द हिंदू में, 10 वर्ड मिलते हैं जो वोकैब का स्पेशल क्लास चलता है वो, 20 और 10 30 और इसमें डेली के 5, तो यानी कि 35 के आसपास, 35 के आसपास वोकैबुलरी आपको डेली मिल रही है, 35 a day, मतलब मान लो एक एवरेज 35 से 40 के बीच में, कभी कभी 30 भी हो सकता है, 35-40, वो डिपेंड करता है हम किस तरीके का एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। तो एक एवरेज हम मान करके चलते हैं कि 40 आप अगर आपको मिल रहा है पर डे का, 40 वर्ड यानी कि 40 नए वोकैब आपको सिखा रहा हूं मैं, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर लो एक महीने से, क्योंकि पूरे महीने में हमारे पास 4 संडे होते हैं, तो 4 संडे में से हम जो है 1-2 संडे छुट्टी करते हैं, बाकी तो आपका चलता ही रहता है, तो मैं मानता हूं कि 40 वोकैब एक दिन का मिल रहा है बेटा आपको, 1 डे में 40 वोकैब। तो बेटा अगर मैं कहता हूं कि 25 दिन भी अगर आपकी क्लासेस हो रही है महीने में, 25 डेज एक मिनिमम बता रहा हूं, 25 डेज, तो 2500 के 100 ये हो गया, ये 1000 वोकैबुलरी आपको एक महीने में आ गया, 1000 वोकैबुलरी आपको मैंने अपनी साइड से एक महीने में करवा दिया 1000, और उसमें से आप कितना याद रख पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितने नोट्स बना रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वोकैबुलरी की तो मैं शुरू में ही कह रहा था कोई टेंशन रखो ही मत बेटा, वोकैबुलरी की किसी प्रकार की कोई टेंशन मत रखो, वो मेरी जिम्मेदारी है। यहां पर मैंने आपको वो वर्ड बताया जो बेटा मैं आपको सीधे सीधे कराए जा रहा हूं, लेकिन आप उसको तो गिन ही नहीं रहे हो ना, कि जब मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं तो शुरू शुरू में मैं आपको 5 वोकैबुलरी पढ़ाता हूं, याद आया कि टुडेज वोकैब, उसके अंदर जब मैं वोकैब पढ़ाता हूं तो उसके एंटोनिम 4-5 और सिनोनिम 4-5 कराता हूं ना, तो एक वोकैब के अंदर 6 करीबन 10 वोकैब तो उसमें निकलते हैं,
जब एक वर्ड मैंने दे दिया मेलनकली, तो उसके चार पांच एंटोनिम, चार पांच सिनोनिम, तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं, उसको काउंट कर लूंगा तो ये 2000 प्लस हो जाएगा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स बेटा आपके लिए, जो मैं ये नहीं कहता हूं सारे वर्ड आपको नोट करने होते हैं, आपको क्या करना होता है बेटा कि ऐसे वर्ड जो आपके लिए नए हैं सिर्फ वो नोट करो। हो सकता है कि कोई ऐसा शब्द होगा जो भाई मेरे लिए तो पूरा, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे बच्चे के लिए वो शब्द नया हो, कोई दूसरा बच्चा है उसके लिए वो नया सा वर्ड लगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना कि सबका जो है लेवल एक ही जैसा होगा, ठीक है। हो सकता है नेहा को वर्ड पहले से पता हो, हो सकता है सौरभ को वही वर्ड बिल्कुल नया सा लगा हो, तो वो उतारेगा, दूसरी नेहा नहीं उतारेगी। तो वो आपको देखना है कि भाई आपको वो आता है पहले से, नहीं आपको लगता है जरूरत उतारने का मत उतारो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर इंपॉर्टेंट सा लग रहा है इसको उतार लेना चाहिए, तो पेन पेपर लेके बैठो, फटाफट से उसको राइट डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, आसान है कि नहीं। तो इस तरीके से बेटा अगर आप करते हो ना, तो मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत आसानी से सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। समझे मेरी बात को, क्लियर हुआ बेटा? तो ये वोकैबुलरी की बात कर ली मैंने। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं एक दो चीजें और बता देता हूं आपको कि कुछ बच्चों का ये कंसर्न था कि सर जो है हमें मैं कल एक बच्ची का था, मैं नाम भूल गया, याद भी होता तो बोल नहीं सकता यहाँ, कि सर मैं हाउसवाइफ हूँ और जो है मैं कैसे पढ़ूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब जो है मेरे को फाउंडेशन से शुरू करना चाहिए या कहाँ से, मेरा बेसिक कमज़ोर है, मैंने बीच से स्टार्ट किया है क्लासेस। तो उनके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ बेटा, उन वाले बच्चों के लिए, कि अगर आप में से कोई भी बच्चा जो लेवल वन में आता है, मतलब बिल्कुल जीरो वाले से, तो आप लोग क्या करो कि फाउंडेशन की तो कोई क्लास मत छोड़ो। फाउंडेशन जो है ना आपका, आप उसकी कोई क्लास मत छोड़ो, स्टार्टिंग से देखना शुरू करो। ये नहीं जरूरी है कि हमें हमें जो है स्पीड बढ़ा करके हमारे वाले टॉपिक तक पहुंच के हमें पकड़ना है, नहीं। आप उसमें स्मूथली चलते रहो आराम से, और डेली कोशिश करो कि 2x की स्पीड से देख देख करके नोट्स बनाओ, ठीक है। जरूरी नहीं कि नॉर्मल स्पीड पे देखो, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो ताकि जल्दी बैच आपका खत्म हो पाए। तो फाउंडेशन तो पूरा खत्म करो। द हिंदू न्यूज़पेपर जो है बेटा, वो अगर आप रेगुलर नहीं भी ले पा रहे हो, वैसे अगर आपका लेवल ठीक ठाक है और आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, बैंकिंग के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए तो कंपलसरी आप रेगुलर देखो। लेकिन ऐसे बच्चे जो जिनका बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है, या फिर जो है उनको इवन ट्रांसलेशन भी नहीं आती है और उनको नींद नहीं खुलती है जल्दी, या हाउसवाइफ है तो उनको जो है सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर बड़े बच्चे को ऑफिस भेजना होता है, तो ऐसे में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि वो एडिटोरियल की क्लास जो है बाद में रिकॉर्डेड देख ले, और या तो जैसे एक एक दिन छोड़कर करके भी देखे, कोई दिक्कत नहीं है। समझे मेरी बात को? तो आप लेकिन क्लास मत छोड़ो, फाउंडेशन तो बिल्कुल मत छोड़ो। कॉम्प्रिहेंशन, आप जो सबको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन की जो क्लास होती है ये उनके लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकती, जो बच्चे बिल्कुल ट्रांसलेट करना ही नहीं जानते वो बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा, उसके लिए तो बेकार हो जाएगी चीजें यहाँ पे, ठीक है। फाउंडेशन लेकिन सबके लिए, तो देखो फाउंडेशन में कितने बच्चे भर भर के आते हैं, है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए यही चीज जरूरी है कि आप फाउंडेशन की क्लास के देख के अच्छे से नोट्स बना करके उसको, फिर जब मैं क्लास में मॉक टेस्ट वगैरह देता हूँ आपको, क्लास में करवाता हूँ, तो उसको करना शुरू करो। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। 20 क्वेश्चन में से आप दो ही कर पाओगे, 20 क्वेश्चन में से तीन ही कर पाओगे, लेकिन धीरे 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 करके क्या होगा, आपका भी लेवल बढ़ेगा। आप खुद सोचो, आप जो बच्चे अभी रेगुलर बैठे हुए मेरी क्लास में कॉम्प्रिहेंशन में, आपसे मैं पूछता हूं, जब मैंने ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना शुरू किया था तो दिक्कत आती थी ना बेटा सबको, आंसर नहीं निकलते थे ना, लेकिन अब आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इतने दिनों में ये फायदा मिला ना, स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी भाई 10 क्वेश्चन में से एक भी नहीं निकल रहा है, लेकिन अब क्या है कि 10 में से कम 7-8 आ रहे हैं ना, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। तो शुरू में दिक्कत आएगी, समझे। हाँ, पूजा कुमारी कहते सर मेरी इंग्लिश कमजोर है। बेटा इंग्लिश नहीं कमजोर है, आप कमजोर हो। इंग्लिश ठीक है अपनी जगह, इंग्लिश को दोष मत दो, इंग्लिश कमजोर नहीं होती है कभी भी, कमजोर आप होते हो। तो आपको जो है अपना पहले बेसिक्स ठीक करना है, पहले जड़ पकड़नी है कि गलती कहां कर रहे हो आप, उसको जब तक नहीं पहचानोगे नहीं हो पाएगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो के साथ मैं डेली कम्युनिकेट करता ही हूं, कल मैंने जो है फाउंडेशन की क्लास में जो है आप लोगों को कंटिन्यूसली, फाउंडेशन वाला जो आपका वो है ना ग्रुप टेलीग्राम का, कंटिन्यूसली मैं आप सबको रिप्लाई पे रिप्लाई किए जा रहा हूं, मैसेज पे मैसेज जितने भी बच्चों के आ रहे थे रिप्लाई किए जा रहा हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब एक घंटे में एक रिप्लाई करने का ऑप्शन खुलता है आपका, तो उसको हाय हेलो ये हाउ आर यू इन चीजों में मत निकाला करो उस मौके को, उसमें आप अपने डाउट्स पूछो जेन्युइन जो आपके हैं। ये उसमें हाय लिख रही है वो लड़की, हाय, फिर वो छोड़ आएगा हाय हेलो, फिर वो बातचीत शुरू करेंगे। एक बार में एक ही आप रिप्लाई कर सकते हो,
तो ऐसे में बेटा आप उस चीज को वेस्ट मत करो, आप अपना सवाल जवाब किया करो उस पर, ठीक है। चलो बेटा फिर अभी सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इन क्लासेस का बहुत फायदा मिल रहा है, और ये कॉम्प्रिहेंशन बेटा आपको इसके बाद का एक होमवर्क में भी मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है बेटा मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में, यानी 8 बजे जो क्लास होगी उसमें मैं मिलूंगा आप सभी से, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल बच्चों, बाय।